उनमें से ही मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे थे जो मॉक्स वगैरह देते हैं उसी से पेपर में कॉन्फिडेंस आता है। मतलब पहले जितने भी किए हो ना किए हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कट ऑफ इजीली क्लियर हो सकता है अगर आप उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को प्रिपेयर करो, और जैसे जैसे मॉक टेस्ट देते जाते हो आपका वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बिल्डअप होते जाता है, आप मिस्टेक्स कम करने लग जाते हो और आपको पता रहता है कि मेरी कैपेसिटी क्या है और मेरी एक्यूरेसी क्या है। और गौतम कैसा है? बढ़िया बढ़िया सब मस्त, दोनों यार, आप बताओ। और दोनों साथ में एकदम लेते हैं, धमाल मचा दिए, साथ हाइजर कोलकाता गए, साथ फिर 31st रैंक, तुम लोग साथ कौन से हमारे कोर्स में भी साथ में थे राइट? साथ हाँ, में था, आईआईटी के साथ कोर्स में में, साथ में थे। आईआईटी में भी, आइजर में भी थे 2021 वाला राइट? एक्चुअली मेरा नेक्स्ट में स्कोर नहीं आया था तभी मुझे आईआईटी के बारे में पता चला, और मैंने फिर आपका यूट्यूब चैनल देखा, पता चला कि लाइक बायो कैसे प्रिपेयर करना है, तो फिर जब मैं आईआईटी में आया तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया बायो कैसे बायो प्रिपेयर किया जाता है, नहीं तो तब तक मुझे नेक्स्ट में कुछ आइडिया नहीं था कैसे करते हैं, और उसकी वजह से मेरा नेक्स्ट नहीं निकल पाया था। पर तो आईआईटी निकल गया। हाँ, आईआईटी में बहुत हेल्प हुई। हाँ, मेरा भी वही सेम, मतलब मेरा तो क्वालिफाई हो गया था लेकिन उतना अच्छा रैंक नहीं आया था, लेकिन जाना मुझे इसी रिसर्च लाइन में था, तो मैं जब फाइनल किया नेस्ट का तो उसके बाद देखा कि मेरा मार्क अच्छा नहीं बन रहा है, तो आप जैसे बोले थे वो वीडियो में कि इतना कट ऑफ जा सकता है, तो उसके बाद मैं डिसाइड किया कि आईआईटी का आपका कोर्स ले लेना चाहिए। मेरा पीसीएम तो सही था लेकिन उस टाइम टाइम भी था, तो इसलिए मैं सोचा थोड़ा बायो का अगर ठीक कर लूँ तो सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा, तो मैंने भी इसीलिए लिया था आपका कोर्स आईआईटी वाला। तो फिर कोर्स में आके फिर क्या हुआ, तुम लोग का कैसे प्रिपेयर किया? कोर्स में जैसे होता, मतलब पहले पहले तो मॉक्स में वैसे मार्क अच्छे नहीं आए, फिर आपसे अखिल भैया से, फिर वो सौम्या भैया से, उनसे फिर बात की, शुरुआत में वैसे 60-70 में आते थे, उसके बाद जब 110-120 के आसपास आने लगे लास्ट लास्ट के मॉक जो होते थे, फिर पीवाईक्यू में भी वैसे 100 के अबव जब आने लगे तब कॉन्फिडेंस आया कि हो जाएगा आईआईटी में अच्छे से, फिर आईआईटी का दिए और अभी आईसर कोलकाता में है। और इधर कोलकाता में आ गए। मेरा तो इनिशियली 40s में था। हाँ, 40s में बहुत गंदा था। फिर कहाँ तक ले गया था मॉक के स्कोर? मॉक का मेरा जा रहा था 110-120 तक। 40 से तूने 110 तक ले गए है? हाँ, वो बायो और केमिस्ट्री में बहुत हेल्प हो गई, उधर नेगेटिव में ही बहुत जा रहे थे मेरे मार्क्स। अच्छा, फिर बायो और केमिस्ट्री में तूने और स्कोर किया तो हाँ, ओवरऑल हेल्प हुआ। तो ये कैसे, मतलब कोर्स ने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हारा 60 नंबर से 110 या 40 नंबर से 110 120 तक जाने लगा, जो तो तुम मॉक लोग क्या टेस्ट के कर? जो सॉल्यूशंस थे वो बहुत हेल्प कर रहे थे, लाइक मीट्स होते थे तो उधर मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन डिस्कस हो जाते थे, एक पर्सपेक्टिव बन जाता था कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपने प्रेडिक्ट भी किए थे तो वो तो बहुत सारे आ गए। एक कोडॉन वाला था वो तो सीधा ही आ गया था, हाँ, गोल्डन वाला एक तो बायो के था। कई क्वेश्चन आए थे। अच्छा, तो वही यही हम लोग सारे स्टूडेंट्स को भी कोर्स में यही कहते हैं, क्वेश्चन टू थ्योरी अप्रोच फॉलो करो, हमेशा ही वही। हाँ, बायो में जैसे 31-32 चैप्टर्स हैं टोटल 11-12 में से, लेकिन आप जैसे सिलेक्ट करके देते टॉप हाँ, 10 कुछ चैप्टर्स, उनमें से ही मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे थे। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साई एस्ट्रा और करे अपने आईआईटी एंड नेस्ट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। और वो तूने ध्यान दिया होगा, वो ऐसे चैप्टर थे जिनको एक पीसीएम वाला बच्चा भी कर सकता हो, हाँ, मतलब नहीं तो बहुत लोग बोलते हैं कि भैया आपने एनिमल फिजियोलॉजी क्यों नहीं बोला था, कि अब वो जाते हैं जमता ही नहीं डाइजेशन थे। न्यूट्रिशन में तो उनका मन नहीं लगता, वही छोड़ के तो आए थे मैथ में, और फिर मतलब जैसे हाँ, जेनेटिक्स वगैरह करने में देख थोड़ा अच्छा मतलब मजा आता है अगर एक फील आ जाए। जेनेटिक्स हो गया, बायो मतलब वो प्लांट फिजियोलॉजी को और एनिमल फिजियोलॉजी, वो दोनों सबसे लास्ट में करना चाहिए, पहले ये वही जो वही बाकी के। वही वही हाँ एक मैथ हाँ वाले बच्चे को तो खास करके इनको बाद में करना हाँ चाहिए, पहले ये सब करना चाहिए जो हमारा एप्टीट्यूड वगैरह भी चेक करते हो, जैसे जेनेटिक्स हुआ तो उसमें हाँ रटना कुछ नहीं उतना होता है, क्वेश्चन हाँ ही सॉल्व करना है तुमको वहां भी। हाँ और क्या किए तुम लोग कोर्सेज में, ये कैसे हेल्प? मेनली वही मॉक करते थे, और जो आप जैसे बोलते थे मतलब हर मॉक से एटलीस्ट असाइनमेंट। एक सवाल भी अगर सीख सको हाँ तो तुम्हारा लर्निंग होगा, तो वो वैसे में मतलब मॉक्स को एनालाइज करना, जो टॉपिक से कट रहे हैं मार्क उस पे और एक बार दो तीन बार देख लेना उस टॉपिक के, फिर नेक्स्ट मॉक में जैसे वो मिस्टेक और रिपीट ना हो, सेम चीज मतलब वैसे करते अच्छा करते अच्छा कुछ इम्प्रूव। लोग बोलते हैं कि लास्ट 1-2 मंथ में ही क्या होना है, जब साल भर
नहीं इतना अच्छे से प्रिपरेशन है, तो अगर इस बात को जैसे माने तो तुम लोग तो जो पहला मॉक दिए तो 40-50-60 नंबर आ रहा है, तो हाँ वो तो हाँ पूरा गलत ही है ना यार, कि लास्ट में कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ तुम लोग क्या कहोगे, इसमें क्या ओपिनियन? बहुत बच्चे होता है लास्ट मोमेंट में कुछ नहीं होता, लास्ट मोमेंट पे बहुत एफर्ट डालना था, मैं तो कहूंगा, क्योंकि तभी बहुत मैटर करता है, वही तुम आप साल भर बहुत कितना भी अच्छा इम्प्रूव पढ़े हो हो, सकते हो। हाँ साल भर कितना भी अच्छा पढ़े हो, अगर लास्ट मोमेंट वाली एक्सटेंसिव अच्छी प्रिपरेशन नहीं करते हो तो हाँ फर्क आ सकता है, पीछे वाला आगे निकल लास्ट, जाएगा, आगे वाला पीछे। हाँ लास्ट लास्ट टाइम में जो मॉक्स वगैरह देते हैं उसी से पेपर में कॉन्फिडेंस आता है। मतलब पहले जितने भी पेपर किए हो ना किए हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में अगर नंबर जैसे भी करके बन रहे हैं, मतलब बायो में आपको आता हो ना आता हो, शॉर्ट नोट्स भी अगर कोई देख के जाके बना के नंबर ले आ रहा है तो उसी से कॉन्फिडेंस आएगा। तो फाइनल एग्जाम में कुछ हो ना हो, मतलब एक अच्छा स्कोर बन जाएगा। बिल्कुल, और एक पूरा फील आ जाता है कि एक्चुअल एग्जाम कैसा होगा, वो हाँ तुम्हारा हाँ पहले से रहता है कि ऐसे। तुमको भी कुछ आईआईटी का एक्चुअल एग्जाम कुछ अलग नहीं लगा होगा ना, कि नहीं, नहीं रेगुलर मॉक बिल्कुल। टेस्ट लग रहा था अपना। अच्छा तो ये हो गई आईआईटी 2021 की बात, तो तुम लोग ऐसे आए फिर वही जो भी इम्प्रूव हुआ तुम लोग का, 110 120 तक पहुंचे 50-60 नंबर से, और सेम मतलब इधर पढ़े और फिर आइजर कोलकाता में चले, हाँ राइट। और फिर शुरू होता है केवीपीवाई एसबी, राइट। तो उसका कैसे हाँ प्रिपरेशन, इनिशियली तो पहली पूरा बार तो मोटिवेशन चला गया था मेरा केवीपीवाई पढ़ने का, सारे एग्जाम्स हो गए ये क्यों करने का, लेकिन फिर जब वो बेनिफिट्स देखे उसके तो मार्क्स देना शुरू किया, और उसमें इनिशियली तो आ रहे थे मार्क्स, लेकिन फिर जब वो 2020 का पेपर किया तब तो पूरा कॉन्फिडेंस ही चला गया था, कुछ मार्क्स ही नहीं बन रहे थे। तो फिर आपका एक केवीपीवाई रेस्क्यू सीरीज आया था, उसमें बहुत हेल्प हुई, लाइक मॉक टेस्ट जो थे बहुत बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड थे, जो डिफिकल्ट भी थे थोड़े, क्योंकि इस साल इंटरव्यू नहीं था तो टेस्ट भी डिफिकल्टी रहने वाली थी पूरी एग्जाम, उसमें उसने बहुत हेल्प किया। तो उस टाइम जब आपका केपीपी का रेस्क्यू सीरीज आया था, उस टाइम नया नया आप लोग साइस्ट्रा का पोर्टल शुरू किए थे, तो उसमें एक वो जो एग्जाम वाली फील होती है, कैलकुलेटर वो लोग देते हैं, वो सब भी थोड़ा फील लेने में, मतलब एग्जाम में मतलब जैसे वो नया ना लगे, तो वो भी थोड़ा हेल्प किया। तुम लोग यार ये बताओ, थोड़ा जर्नी को डिटेल में एक्सप्लेन करो, ठीक है, कि जैसे तुम लोग आए कि रेस्क्यू सीरीज में, तो मतलब जो जर्नी है ना मेन, वो जो 40 मार्क्स में जो आदमी डिमोटिवेट होता है, फिर तुम लोग उस टाइम पे क्या करते थे? मतलब नंबर नहीं आ रहे हैं तो स्ट्रेटजी चेंज किए या एनालाइज किए, फिर बढ़े कैसे, और बढ़े तो फिर थोड़ा डिटेल में जर्नी बताओ, वो मेन है, वो एक्सपीरियंस को हेल्प करेगा। नंबर तो आना ना आना अपने प्रिपरेशन पे पहले डिपेंड करता है, कितने शुरुआत में आ रहे हैं वो हमारा उस टाइम का प्रिपरेशन बताता है। फिर धीरे धीरे कैसे उसको बढ़ाना है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब हमारे केस में, मतलब मेरे केस में, मैं पहले मॉक्स दिया, अगर नहीं बने क्या मिस्टेक हुआ उसको, मतलब मॉक खत्म होने के बाद जब सोल्यूशन आ जाए एक बार देख लेना है कि क्या क्या मिस्टेक किए। उसके बाद अगर कोई पोर्शन अगर नहीं बनता है, मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो नोट्स को रेफर करना, नोट्स में भी अगर दिक्कत आ रहा है तो एटलीस्ट अपने टीचर से कांटेक्ट बना के रखना चाहिए हमेशा। मतलब वीक में एक दो बार एटलीस्ट बात कर लेना चाहिए हम, मतलब प्रिपरेशन का स्टेटस एटलीस्ट टीचर को बता देना चाहिए ताकि हम सही डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहे हैं ना कर रहे हैं वो पता चल जाए। मैं एक्चुअली मेरा जब कम आता था तो मैं गौतम से बात करता था, उसका मेरे से यूजुअली ज्यादा रहता हर बार, तो उसको मैं पूछता था। गौतम का मेरे से रहता था ज्यादा बार। हाँ, तो इनडायरेक्टली आपसे कांटेक्ट ही हो जाता था मेरा। और रही बात मिस्टेक्स की, तो एक मुझे गौतम ने सिखाया था कि हम लोग को जब एनालाइज कर रहे होते तो कुछ जो क्वेश्चंस गलत हुए उनको ऐसा मार्क करके रख लेना चाहिए, मैं नहीं मैं ये सही कर सकता हूँ, तो उससे एक साइड में लिख लेने का कि नहीं इससे मार्क्स प्लस हो सकते हैं। तो यूजुअली जो आपको पता चलता है बाय द एंड ऑफ टेस्ट, आपका कट ऑफ इजीली क्लियर हो सकता है अगर आप उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को प्रिपेयर करो, और जैसे जैसे मॉक टेस्ट देते जाते हो आपका वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बिल्डअप होते जाता है, आप मिस्टेक्स कम करने लग जाते हो और आपको पता रहता है कि मेरी कैपेसिटी क्या है और मेरी एक्यूरेसी क्या है, तो उस हिसाब से आपका ऑप्टिमाइज हो जाता है पूरा एंड तक पेपर कैसे देने का। हम लोग वही करते थे, मतलब जैसे मेरे और मंदर के शुरुआत में 45 के आसपास रहते थे, तो हम लोग सीधे टारगेट 70-75 वैसे नहीं करते थे, 10-10 नंबर के बढ़ा के करते थे। मतलब एटलीस्ट दो नेक्स्ट दो मॉक के अंदर हम लोग 45 से हम लोग 55 तक आ जाएंगे, फिर प्रैक्टिस वगैरह करके फिर जितना भी आ, मतलब 55 तक ना आके भी अगर 50 तक आ गया तो भी मतलब उसको एक हमारा मॉक सक्सेस हुआ, उसको मतलब हम वैसे टैग करते थे कौन सा सक्सेस हुआ कौन सा सक्सेस नहीं हुआ। मतलब एक
टारगेट लेके चलेंगे, मॉक में हमें इतना लाना है, और वैसे मतलब अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं लेना चाहिए, मतलब जितना डूएबल है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। स्टेप वाइज जैसे तुम अभी 45 पे हो तो नेक्स्ट मॉक में टारगेट करो कि 55 50 पहुंचना है, ये नहीं कि 45 पे हो 70 सीधे टारगेट कर रहे हो, तो ऐसे ग्रेजुअली स्टेप्स लो तो वो ज्यादा हेल्प करता है ना। और एक बात मैं बोलूंगा कि मतलब मॉक्स वगैरह देना थोड़ा जल्दी चालू कर देना चाहिए, नहीं तो एक वो जो प्रोक्रेस्टिनेशन जैसे हो जाता है कि मॉक पहले सिलेबस कंप्लीट करते हैं फिर हम आएंगे मॉक पे, तो वो वाला चीज जितना हो सके अवॉइड करना है। मेरा एसएक्स में और एसए में वही मैंने मिस्टेक किया था, ऑल्दो मेरा सिलेबस कंप्लीट था लेकिन मैं और थोड़ा देख लेता हूँ और थोड़ा ये कंप्लीट कर लेता हूँ सिलेबस, तो वैसे करके मेरे टेस्ट बहुत कम देते, लेकिन इस बार हम लोग उसको सबसे ज्यादा अवॉइड किए। ऑल्दो जितना भी हम लोग पढ़े थे हम लोग टेस्ट देते थे, क्योंकि लास्ट टाइम में नंबर टू थ्योरी आप जो अप्रोच बोले थे वो ज्यादा मैटर करता है, क्वेश्चन टू थ्योरी अप्रोच। ये बात तूने बहुत सही कही, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वही लास्ट तक कि भैया भी रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कंप्लीट लास्ट तक नहीं होगा, लास्ट डे भी नहीं होगा, वो सोचते भैया कि एक बार कंप्लीट हो जाए तब मॉक देना पीवाईक्यू देना चालू करेंगे, और फिर वो कंप्लीट ही नहीं होता, फिर लास्ट में एक दो मॉक देके बस जाते हैं। तो ये बात तूने बहुत सही कही भाई कि पैरेलल में चालू कर देना चाहिए भले ही तुम्हारा रिवीजन कंप्लीट ना हुआ हो, क्योंकि वो क्वेश्चन टू थ्योरी में ऑलरेडी चीजें कवर होती रहती है सारी, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वही मतलब आएगा मॉक्स में, क्योंकि मॉक्स तो टीचर लोग बनाते हैं तो वो लोग उसको ध्यान में रखते हुए पेपर पैटर्न के बेसिस पे वो बनाते हैं, तो इसीलिए मॉक्स देना जितना मॉक्स हो सके लास्ट टाइम पे देना उतना बेटर होगा। साई एस्ट्रा कैसे तुम्हारा हेल्प किया इन ब्रीफ केवीपीवाई कोर्स से, और पहले से एक मेंटर्स का क्या तुम्हारा फीडबैक रहेगा वो तुम लोग दे सकते हो। साई एस्ट्रा के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप सच्चे में लाइफ चेंजर हो, लाइक मेरा कॉलेज से कॉलेज के स्कॉलरशिप तक सब आपकी वजह से हुआ, तो वो एक नेक्स्ट लेवल की चीज है कि हाँ आप पे एक ट्रस्ट बिल्डअप हो गया था मेरा जब से मेरा आईसर में एडमिशन हुआ, तो मैंने तभी से सोच रहा था कि आपके पास ही केवीपीआई का प्रिपेयर करने मुझे। मेरे केस में तो मैं पूरा बायो सब्जेक्ट पूरा शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा आईआईटी के टाइम ही पढ़ा था, अखिल भाई आप बहुत हेल्प किए थे इसके में तो बायो पूरा स्ट्रॉन्ग करने में अखिल भैया बहुत हेल्प किए हैं, जिससे आईआईटी में भी हो गया और केवीपीआई एग्जाम देते दिन भी मतलब वो एक बूस्टिंग फैक्टर मेरे लिए रहा। और कैसा है गौतम? कल ही तो बात हुआ था। अरे रिकॉर्डिंग हो रही है।